जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी, जिसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है, इस पर बात करेंगे। अनंत चतुर्दशी पर कैसे पूजा की जाती है, इस दिन का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत में क्या खाया जाता है, व्रत में क्या खाकर हम व्रत खोलें, और इस दिन हमें पूजा कैसे करनी होती है, इस दिन जो अनंत सूत्र बांधा जाता है उसे कैसे बांधा जाता है, उसके बांधने की विधि क्या है, कितने दिन तक उसे बांधना चाहिए और कब उसका विसर्जन करना चाहिए, ये सारी ही बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इन सभी सवालों के उत्तर हम जानें इससे पहले जान लेते हैं कि साल 2023 में अनंत चतुर्दशी किस दिन मनाई जाएगी। इस बार यानी साल 2023 में अनंत चतुर्दशी का पर्व 28 सितंबर गुरुवार को मनाया जा रहा है। इसी दिन भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा की जाएगी। गुरुवार का दिन होने के कारण इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अनंत भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाले अनंत सूत्र को बांधा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब पांडव ध्रुत क्रीड़ा में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया और पूजन किया और इस दिन अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी के इस व्रत के ही प्रभाव से पांडवों के सब कष्ट दूर हो गए। आइए अब बात करते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे की जाती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा वैसे दोपहर के समय की जाती है, लेकिन अगर आपके लिए दोपहर के समय पूजा करना संभव ना हो तब आप सुबह में या शाम में भी पूजा कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प करें। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप केवल पूजा कर सकते हैं। व्रत का संकल्प और पूजा किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन नदी तट पर जाना संभव ना हो तो अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद अपने घर में एक चौकी की स्थापना करें। ध्यान रखें कि चौकी ऐसी जगह पर लगाएं कि जब आप पूजा करें तब आपका मुख पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ रहे। उसके बाद चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिल्कुल साफ धुला हुआ होना चाहिए। चावल से इस पर अष्टदल कमल बनाएं और एक कलश स्थापित करें। उस कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को रखें और उनके सामने अनंत चौदस पर बांधे जाने वाला अनंत सूत्र रखें। अगर आपके घर में सभी लोग अनंत सूत्र बांधते हैं तो जितने सदस्य हैं उतने ही अनंत सूत्र रखें। अब आप पूछेंगे कि अनंत सूत्र क्या होता है। यह कुमकुम हल्दी में रंगा हुआ एक डोरा होता है जिसमें 14 गांठें लगी होती हैं। ये सूती धागे से आप बना सकते हैं या फिर रेशम के बहुत ही सुंदर सुंदर डोरे बाजार में भी मिलते हैं, वहां से भी आप ला सकते हैं। इसके बाद ओम अनंताय नमः, इस मंत्र से भगवान विष्णु की और अनंत सूत्र की पूजा करें। भगवान के सामने धूप दीप जलाएं, उन्हें फल मिठाई अर्पित करें और भोग लगाएं। उसके बाद हाथों में गंगा जल, कुछ फूल और कुछ दक्षिणा लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प करें। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि क्या यह व्रत हर साल रखना होता है। तो देखिए, जब आप एक बार इस व्रत को रख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, तब यह व्रत 14 सालों तक रखा जाता है और उसके बाद व्रत का उद्यापन कर देते हैं। इस अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में बांधती हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि इस अनंत सूत्र को जब हमने बांध लिया तब इसे हमें कब खोलना है, कब विसर्जित करना है। तो देखिए, जब आप अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तब उस दिन शाम के समय पूजा के बाद जब आप अपने व्रत को पारण करते हैं, जब अपना भोजन करते हैं, तब उसके बाद आप अनंत सूत्र को अपने हाथ से खोल सकते हैं और विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन विसर्जन करना भूल जाते हैं या नहीं करना चाहते तब आप 14 दिनों बाद भी इस अनंत का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर 14 दिन बाद भी अनंत सूत्र को विसर्जित नहीं करता है और अपने हाथ में बांधे रखता है तो फिर उसे पूरे साल तक अनंत सूत्र को अपने हाथ पर बांधे रखना चाहिए। अगली अनंत चतुर्दशी पर ही
अगला अनंत सूत्र बांधकर इस सूत्र का विसर्जन करना चाहिए। तो आप बात समझ गए, एक बार अगर आपने अनंत सूत्र अपने हाथ में बांध लिया तब आप एक दिन में उसका विसर्जन करते हैं, मतलब शाम को कर सकते हैं, 14 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 14 दिन बाद भी नहीं करते हैं तब फिर पूरे साल आपको इसे बांध कर रखना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन कोई व्रत कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तब भी उसे पूजा करनी चाहिए और अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस दिन कथा पढ़ने या सुनने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। अब बात करते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे रखा जाता है, क्या ये व्रत फलाहारी रखते हैं या इसमें अन्न खाया जाता है एक समय। तो देखिए, ये अपनी मान्यताओं के ऊपर है। कहीं कहीं पर मान्यता होती है कि यह व्रत फलाहारी रखा जाता है, मतलब कुट्टू सिंघाड़े के आटे के साथ इस व्रत को रखते हैं, फलाहारी खाना खाते हैं। और कहीं कहीं पर मान्यता होती है कि एक समय इसमें अन्न वाला खाना खा सकते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, जैसे कि गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाते हैं, ऐसे ही अनंत चतुर्दशी का अगर आप व्रत कर रहे हैं, चाहे आप फलाहारी व्रत रखें या अन्न वाला रखें, इसमें नमक नहीं खाया जाता है, केवल मीठा भोजन करते हैं। अगर आप अन्न वाला खाना खाते हैं तो भी बिना नमक का, और फलाहारी भोजन करते हैं तो भी बिना नमक का मीठा भोजन करते हैं। भगवान को भी इस दिन मीठी पूरी का, मीठे पराठे का या मीठे रोट का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इसका एक नाम रोट चौदस भी है, और इसी रोट को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। अगर आप अनंत चौदस का व्रत कर रहे हैं और अन्न वाला खाना खा रहे हैं तब आपको भोजन में शाम के समय जब आप भोजन करते हैं तब मीठे रोट से ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है तब आप शाम के समय फलाहारी भोजन करेंगे और अगले दिन प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि एक समय भोजन करना है तो किस समय करें, मतलब हम किस समय पूजा करें शाम को और किस समय भोजन करें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अनंत चौदस की पूजा दिन में की जाती है 12 बजे के बाद, और उसके बाद शाम को पूजा जब आप करती हैं, जो संध्या का समय होता है उस समय पूजा करते हैं, उसके बाद एक समय भोजन कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत का पारण कैसे कराया जाता है, यानी व्रत कैसे खोला जाता है। जब हम अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करते हैं तब जैसे एकादशी व्रत का पारण हम अगले दिन सुबह करते हैं, उसी तरह से अगले दिन सुबह हम अनंत चतुर्दशी व्रत का पारण भी करते हैं। पारण में आप ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर इच्छा के अनुसार भोजन करा सकते हैं, या फिर भोजन नहीं करा सकते हैं तो फिर आपको मंदिर में ही कुछ सामान इसे सीधा भिजवा देना चाहिए, दान दक्षिणा भिजवा दें, और उसके बाद अनंत भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने आपके इस अनंत चतुर्दशी व्रत को किया, आपने मेरे व्रत को करने में मेरी सहायता की, उसके लिए आपका धन्यवाद, आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा ही बनी रहे। और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर ले गंगा जल और तुलसी दल के साथ। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने पहले से व्रत कर रखा है, जैसे आपने पिछले साल भी किया था, तब आप इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह व्रत अब 14 साल तक करना है। लेकिन अगर आप इस बार ही व्रत शुरू करना चाहते हैं, पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, तब ऐसे में यही सलाह दी जाती है कि आप इस साल से इस व्रत को शुरू ना करें, क्योंकि आप पूजा नहीं कर पाएंगे, और पहले ही व्रत में आप पूजा ना करें और अधूरा सा व्रत करें, ये सही नहीं लगता। इसीलिए आप अगले साल से ही इस व्रत को शुरू कर लें। लेकिन जो लोग पहले से इस व्रत को करते आ रहे हैं वे व्रत करेंगे, केवल पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दिन भगवान की मूर्ति को, विग्रह को या पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे में आप पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक रूप से मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान की कथा को पढ़ सुन सकते हैं, ऑनलाइन सुन सकते हैं, और आरती भी आप मानसिक रूप से आरती भी कर सकते हैं। वास्तविक रूप से पूजा आप अपने घर में किसी और से करा लें। अब एक प्रश्न और भी आता है कि अगर पीरियड्स हो गए हैं तो क्या हाथों में अनंत सूत्र बांध सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसे में अनंत सूत्र भी नहीं बांध सकते। लेकिन अगर आप हर साल अनंत सूत्र बांधते हैं तब आप उस दिन अनंत सूत्र की पूजा घर में किसी और से करा लें, और उसे पूजा करा के कहीं पर रखवा दें, मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में ही रखवा दें, और जब शुद्ध हो जाएं तब उसे अपने आप अपने हाथ पर आप बांध सकते हैं। तो ये अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि थी, कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर मैंने आपको दे दिए। अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय जय श्री राधे।